जिला प्रशासन ने वाद हित सर्वोपरि को लॉन्च किया है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिले के विभिन्न न्यायालय में वाद लंबित है, क्योंकि दो सालों से लगातार कोविड की वजह से कोर्ट नहीं लग पा रहा था, जिससे काफी मुकदमे न्यायालय में आ गए, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी ने तहसीलों में अधिकारियों को भेज करके विजिट कराया और 26 अप्रैल को यह निर्देशित किया गया कि वादकारियों का हित सर्वोपरि है, इसलिए सभी अधिकारी अपने अपने न्यायालय में बैठे, जिसको देखते हुए 26 अप्रैल के बाद वादी निस्तारण दिवस मनाया जा रहा है। इसमें वादियों के मामलों का निस्तारण किया जा रहा है और एक मिशन लॉन्च किया गया है, मिशन वाद हित सर्वोपरि, जिसको नाम दिया गया है। उन्होंने सभी वादियों से अपील करते हुए कहा कि वह न्यायालय में आकर अपने मामलों का समय से निस्तारण करवा लें और सभी अधिकारी अपने न्यायालय में बैठे, जिससे कि वादियों के मामलों का अधिक से अधिक निस्तारण हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस हूँ। हमारे जनपद में जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न न्यायालयों में ढेर सारे वाद लंबित हैं, पीछे कोविड था, उसके पहले भी कोविड था और न्यायालय कम बैठ पाया, वादकारी नहीं आ पाए, इससे मुकदमों का अंबार लग गया। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को तहसीलों में भेज करके और हमारे न्यायालयों में उच्च अधिकारियों को भेज करके विजिट कराया और 26 अप्रैल को ये निर्देशित किया कि वादकारियों का हित सर्वोपरि है, वाद का हित सर्वोपरि है, हम लोग न्यायालयों में बैठें। इस हेतु मई माह को वाद निस्तारण माह मनाया जा रहा है और एक मिशन लॉन्च किया गया है, जिसको मिशन वाद हित सर्वोपरि, मिशन वाद हित सर्वोपरि उसको नाम दिया गया है। सबसे अनुरोध किया गया है माननीय एडवोकेट साहबान से, हमारे जो पीठासीन अधिकारी हैं, सबसे अनुरोध किया गया है कि पीठासीन अधिकारी समय से न्यायालयों में बैठें, मैक्सिमम टाइम न्यायालय में गुजारें। एडवोकेट साहबान से अनुरोध किया गया है कि वो न्यायालयों को कोऑपरेट करें और आम जनता जिनके मुकदमे हैं, जिनके वाद विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो नियत तिथि पर अवश्य आएँ, मुकदमे में हाजिर हों, अपने साक्ष्य दें, बहस कराएँ और मुकदमों का जिससे गुणवत्ता परक गुण दोष के आधार पर निस्तारण हो सके।